हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवमेंट इन ऑल। स्वागत करती हूँ आप लोगों का मैं अपने ही चैनल अचीवमेंट इन ऑल में। और आज जो है फ्राइडे है और मैं जा रही हूँ मायके। जब से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ मैंने ये नहीं दिखाया, मैंने ये बताया था कि 24 फरवरी को मैं गई थी, वहाँ पर आँख रंजाई का यानी काजल पहनाने का रस्म था। तो वो सब क्लिप मैंने कुछ शूट किया है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं होली को लेकर जा रही थी और मन भी नहीं लग रहा था। आप लोगों को पता है कि माँ अभी मुंबई में है, तो माँ को आने में समय है, बाबू का भी स्कूल खुलने में थोड़ा समय है। तो माँ ने ही कहा कि तुम चली जाओ कुछ दिन, दो चार दिन के लिए। माँ तो बोले हैं कि मंगल बुध को वापस आ जाना है, लेकिन कहीं जाइए और दो दिन के लिए जाइए। अभी तो मैं दो दिन के लिए ही जाकर आई थी, उतनी ही परेशानी है। तो दो दिन और ज़्यादा लोग क्यों ना रह ले, ये तो नहीं जा रहे हैं, ये अभी राजगीर गए हैं। तो आज शुक्रवार है, कल मॉर्निंग में यानी कि सैटरडे के मॉर्निंग में मेरा ट्रेन है पटना से, राजेंद्र नगर से। तो वहाँ मेरा भाई रह के पढ़ता है, तो अभी मुझे निकल के वहीं जाना है, वही आएगा लेने और ये भी तब तक पहुँच जाएंगे राजगीर से। और अभी शाम का समय 5:30 हो गया है, तो रात भर वहाँ रुकूँगी, फिर सुबह वहाँ से निकलूँगी। आप दो दिन के लिए जाइए, चार दिन के लिए जाइए, इतना मतलब लगेज हो जाता है, मतलब मैं शॉर्ट करते। एक तो मेरा ट्रिक, हर चीज़ में मैं अपना ट्रिक आजमाती हूँ और सक्सेसफुल होता है। चार दिन पहले बैग खोल के रख दिया, जो जो याद आते जा रहा है उसमें रखते जा रही हूँ और लास्ट डे मतलब जिस दिन जाना है उसके एक दिन पहले उसको अरेंज कर देती हूँ। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, इस ट्रिक को कभी आजमा कर देखिएगा, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होगा। तो अभी तो ये बताइएगा टॉप कैसा लग रहा है। ये मैंने कल ही लिया है और मुझे बहुत पसंद ये टॉप आया। अभी मैं जींस पर पहनी हुई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे मैं इसको जींस पर पहनी हुई हूँ, तो अब देखती हूँ ये ही पहन के निकल जाऊँगी। अभी जींस पर पहनी हुई हूँ, तो अभी तो ये सोच रही हूँ यही पहन के वहाँ निकल जाऊँगी। सुबह वहाँ से कुछ अलग पहन के निकलूँगी। ट्राइपॉड लेने का सोच रही थी लेकिन ट्राइपॉड लेकर नहीं जाऊँगी। कम करते करते सिर्फ मैंने सूट ही सूट लिया है, मैंने तो बैग पैक कर लिया है। हाँ, आप लोगों को नहीं दिखा पाए लेकिन वहाँ खोलूँगी तो प्रयास करूँगी दिखाने का। कम लिया है, सिर्फ सूट लिया है, कुछ नहीं ज़्यादा। शादी वगैरह है नहीं, जो कि अधिक साड़ी लेना है, क्योंकि मंदिर वगैरह जाना अगर हुआ कम से कम 10 दिन भी रुकी, रुकने का तो मन बहुत है। मन तो यही बना कर जा रही हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। भाई आप लोग भी अगर शादीशुदा हैं तो आप लोगों को भी पता होता है कि प्लान आपके अनुसार नहीं तय होता है। और आजकल तो एक बहाना बच्चे का होता है, बच्चा बीमार हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, बहुत तरह की बातें होती है। तो बस सूट वगैरह लेकर जा रही हूँ, तो मायके जाइए, थोड़ा शौक होता है, ये ले लेना है वो ले लेना है। सूट वगैरह भी मैंने कोई हैवी नहीं लिया है, फिर भी मेरा बैग भारी हो गया। एक दो किताब, क्योंकि बिना पढ़े मैं रह नहीं सकती हूँ, बच्चे का एक दो कॉपी, तो एक बड़ा बैग हो गया है, एक छोटा सा स्लीपर वगैरह लेने के लिए। तो अभी 5:30-6 हुआ है, खाना मुझे बनाना है रात का। और अभी मैं ये भी दिखाऊंगी कि घर से जाने के पहले कितना कुछ मैनेजमेंट करना होता है घर में, अगर आपके हस्बैंड साथ में नहीं जा रहे होते हैं तो। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि पूरा आपको खाना बना के जाना है, घर द्वार साफ करके जाना है। मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ, बेडरूम किचन सब कुछ, किस तरह सब कुछ करके मैं जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करने बैठी हूँ, मैं नेल पेंट मैंने सोचा मैं लगा लूँ। ये 3 नेल पेंट मैंने लिया है, ये मार्स का है, आप देख रहे हैं। कल मैं मार्केट गई थी तो टॉप, ये नेल पेंट वगैरह सारा चीज़ मैंने लिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैरून वाला मैंने पैर में लगाया है, तो इसको मैंने एक बार और भी यूज किया था, ये 2-4 दिन 10 दिन पहले लिया था और ये दोनों कल लिया था। तो अभी मैं हैंड में ये सोच रही हूँ लगा लूँ या फिर ये लगा लेती हूँ, कोई एक लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना बेडरूम। कुछ सामान अभी भी बचा हुआ है, जैसे कि ब्रश जी भी वगैरह हुआ, ये सब तो आप लास्ट में ही लेंगे। फेस वाश क्रीम ये सब आपको लेना है। फिर किचन में खाने की भी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, मतलब कि मैंने सोचा है मैं 1 घंटा लेट जाऊँ लेकिन संभव नहीं है, दिमाग में चलते रहता है कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए अच्छा कलर है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप जाते हैं कि ये रात में क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, दूध वाले को मना करना है, सब्ज़ी कितनी बच रही है, 4 दिन पहले से ही टेंशन, कौन सा सब्ज़ी ख़राब हो रहा है, पहले कौन सी सब्ज़ी बनानी है, ये क्या पहन के ऑफिस जाएंगे, आयरन किया है कि नहीं है, इतना टेंशन, बाप रे। आप लोग समझ में कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी
औरत कितना भी काम कर ले, इन सब कामों की गिनती नहीं होती है। आपने क्या किया आप सोचिएगा कि मुझे फीडबैक मिले, इतना फीडबैक सब औरत को संभव नहीं है। ये देखिए मैंने ये लगा लिया है नेल पेंट, और काफ़ी अच्छा इसका कलर है, और मैं अभी इसको डबल कोट करूँगी जिससे कि ये थोड़ा सा और डार्क उभर कर आए। मैंने सोचा है एक नेल पेंट मम्मी को दे दूँगी। 2-4 कॉटन साड़ी मैंने ली है मम्मी को देने के लिए, और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया मसाला वाला उसमें मैंने सारा चीज़ रखा था, तो वो आपने उसमें डेट देखा होगा, वो 15 तारीख का वीडियो था, तो जितना मैंने उसमें भरा था बहुत कुछ उससे ख़त्म भी हो गया। उन सारी चीज़ों को मैंने पोछ पोछ कर साइड किया हुआ है। जैसे मेरे हस्बैंड इंडक्शन यूज नहीं करते हैं, तो अगर इंडक्शन उतना दिन खुला रह जाएगा तो अभी तो पतझड़ का समय है तो वो गंदा हो जाएगा। इतना मतलब टेंशन है जाने के पहले कि आप 4 दिन पहले से ही करते करते थक जाइएगा। ये देखिए डबल कोट करने के बाद ये इस तरह से लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा कलर है, ये देखेंगे। तो चलिए अब आपको किचन और बेडरूम दिखाते हैं। ये पूरा क्लीन करके पूरा यहाँ से कर्टन वगैरह लगा के झाड़ू वाड़ू, पता नहीं फिर कब झाड़ू पड़ेगा, कैसे झाड़ू पड़ेगा। ये पूरा बेड के नीचे जो है, आप लोगों को शायद कभी मैंने नहीं दिखाया था, ये पूरा नीचे इस तरह ये निकाल के रख दिया है। बाबू पहन के जाएगा पूरा इस तरह से। यहाँ पे अभी बाबू सोया था, सो के अभी तुरंत ये उठा है, तो इसके सोने के बाद भी मैंने बहुत सारे कामों को निपटाया है। और यहाँ पर साइड में ये रखा हुआ है कार्टून में, सिर्फ बाबू का खिलौना है। ये तो बोल रहा था इतना लेके जाना है, लेकिन इतना लेके नहीं जाना है। और कुछ ये सामान है जो कि मुझे लेके जाना है, ये जैसे फेस वाश हो गया, ये एवर यूथ स्क्रब हो गया जो कि वीक में 2 टाइम्स करती हूँ मैं, और ये जो नेल पेंट अभी मैंने यूज किया ये है, ये सीरम हो गया लैक्मी का, ये क्रीम डे क्रीम है, ये नाइट क्रीम है। ये जो देख रहे हैं आप, मैंने डे क्रीम को किसी अलग डब्बे में रखा है, ये जी ब्रश जी भी वगैरह निकाल के रखा है, और तो बहुत सारी चूड़ियां हैं इसी में रह गया है। इसको मैंने इधर साइड से, मैं ये ऊन देख रहे हैं एक डब्बा मैंने ले लिया है, अगर मुझे समय मिले तो वहाँ पर मैं बनाऊँगी। और ये तो उनका परफ्यूम है, ये मेरा परफ्यूम है, और यहाँ पर कंघी वगैरह रखा है। और ये आप मुझे देखिए, मैंने जो जीन्स पे ये टॉप कैसा लग रहा है, अगर आपको साफ दिख रहा है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये देखेंगे जी, ये जीन्स पर ये वाला टॉप अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। देखेंगे बेड पर भी कुछ सामान मैं निकाल कर रखी हूँ, जैसे कि एक कॉम्ब लेना है, हेयर बैंड है, ये है बैक पिन, और ये देखिए डे क्रीम का ये बॉटल घड़का घड़का कर बाबू तोड़ दिया था, तो फिर उसमें थोड़ा सा नाइट क्रीम बचा हुआ था, तो मैंने जल्दी से उसको खाली करके धोकर फिर इसको उसमें डाल दिया। और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी इमरजेंसी के लिए ले लिया है, ये पेन ड्राइव है इसमें, और इसमें क्या है, इसमें हैवी वाला पायल है, और 1-2 कान का लिया हुआ है मैंने, तो ये तो VIP के अंदर रख दूँगी। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे, ये इस तरह मैं निकाल निकाल कर रखती हूँ ताकि कुछ छूटे नहीं। तो ये देखेंगे, ये है पायल, ये है, और ये हैंड बैग हमारा पर्स है, इसमें सारा चीज़ ATM कार्ड वगैरह ले लिया। और पूरा मतलब साफ़ सुथरा करके जाना है, क्योंकि फिर पता नहीं क्या होना है, वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे। और चलिए अब मैं आपको, और यहाँ पर VIP तैयार है, और ये ऊपर वाला जो चैन खुला है इसमें बाबू डाल रहा है अपना खिलौना सब, ये इनका प्लान है, इनके बाबा लाके इनको दिए हैं, ये भी लेके जाना चाह रहा है। अब किचन आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक भी बर्तन अभी नहीं है, ये रोटी पॉट में 1-2 रोटी है, सुबह मैंने बनाया था, अभी गाय को देना है क्योंकि आज फ्राइडे है। इधर सारे ग्लास को, सारे डब्बे वगैरह, शीशे का ग्लास, मतलब कहीं भी देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं। अभी मैंने तवा पे इसको मूँगफली थोड़ा फ्राई किया था अपने लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो ये रखा हुआ है, और इसमें कल का दूध है, और ये आटा भी मैंने मिला के रख दिया है। मैंने आलू भी बॉयल कर लिया है ताकि अब मैं जल्दी से खाना बना लूँ, एक समस्या नहीं है आपको, समझना भी है आपको, खाना वगैरह भी बनाना है। ये आलू भी बॉयल किया हुआ, टमाटर भी निकाल के मैंने रख दिया है, और ये देखेंगे इसमें मसाला, ये सब मैं सामने रखी हूँ ताकि अगर इनको कभी भी बनाते तो ये नहीं है, लेकिन अगर कभी भी बनाने का मन हो तो इनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने घर में जो मसाला तैयार किया हुआ था, सूखा पाउडर वाला मसाला ये है, और ये तो मैंने इसमें पूरा भरा हुआ था जो कि खाली भी हो गया है, कई डब्बे खाली हो गए हैं, बाकी मैं और एक बार जब आऊँगी
तो पूरा जब भरूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारा चीज़ें। से ये मेथी है, पीला सरसों है, सौंफ है, जीरा है, लाल मिर्च इसमें भर के था, पंचफोरन मैंने आपको भर के दिखाया था, ये अजवाइन है, ये मंगरेला है, नीचे ये साबूदाना यहाँ पर था, काजू किशमिश, ये बादाम है, यहाँ पर भी कोई ड्राई फ्रूट्स था, ये फिर से छुआड़ा है आपका, किशमिश है, तो इस तरह पूरा भर के रखा था। और ये छोटा छोटा बॉटल जिसमें कि लौंग इलायची वगैरह है, ये हींग का है, इसको भी मैंने साइड कर दिया। और ये देखेंगे मिक्सी को धोकर इसमें पैक कर दिया, इंडक्शन को इसमें रख दिया क्योंकि ये इंडक्शन यूज नहीं करते हैं, ये वाटर बॉटल का कवर फेंका हुआ था, इसको भी धोकर साफ़ किया। ऊपर तो अभी इसी तरह है क्योंकि अभी तो मंथली कोई सामान आया नहीं है, तो ऊपर में सामान का तो अभी है नहीं टेंशन क्योंकि आज 26 मार्च है, तो सामान का भी टेंशन नहीं, आने के बाद ही आएगा। नीचे देखिएगा एक भी बर्तन मैंने इसमें नहीं रखा है क्योंकि सारा बर्तन धो के मैंने लगा दिया है, ये चावल का आटा का, इधर आलू निकाल के रख दिया है, ये समझा दिया कि अगर कुछ भी बनाना हो तो पहले बड़ा वाला आलू खर्च करिएगा। और इधर सारा बर्तन धो के मैंने सारा चीज़, ये सारा बर्तन धो के आप देख रहे हैं एक एक करके लगा दिया है ताकि ज़्यादा कुछ बिखरे नहीं। तो इतना टेंशन होता है किसी भी औरत को मायके जाने के पहले, इतना सोचना पड़ता है, ऐसे आप नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों में से किस किस आप लोगों में से किन किन को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस समस्या का, क्योंकि मैं जब जा रही हूँ तो पहली बार मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों में से किन किन को इतना सोचना पड़ता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे आगे, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, और प्रयास करूँगी इसमें आगे और जोड़ने का कुछ क्लिप, और नहीं जोड़ पाए तो अगले वीडियो में मिलूँगी मायके से भी। आज इस बार मैं आपको कुछ दिखाऊँगी, मायके का भी कुछ क्लिप शेयर करूँगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ मैं आपसे आगे।